आज हम लोग बात करेंगे कि भारत की प्राइवेट कंपनियां ज़्यादातर हथियार क्यों नहीं बनाती हैं, क्या इसे ठीक किया जा सकता है। अगर बात करें भारत में प्राइवेट कंपनियों की, तो हथियार ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियां नहीं बनाती हैं, इसमें बस एक दो कंपनियां ही शामिल हो पाती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है जो वह है कि हमारी सरकारें। मैं किसी भी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तक जितनी भी सरकारें बनी हैं या आई हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं सभी जिम्मेदार हैं। क्यों है जिम्मेदार, आपको बताता हूँ। मान लीजिए किसी ने एक प्राइवेट कंपनी खोल लिया, एक बहुत ही अच्छा हथियार बना दिया, आपकी कंपनी को सरकार से एक ऑर्डर भी मिल गया। एक बार यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन एक ऑर्डर मिलने के बाद दूसरा ऑर्डर आपको कब मिलेगा इसका कोई पता नहीं होता। प्रॉब्लम यहीं पे आती है। अभी आप पिनाको रॉकेट के ही देख लीजिए। सबसे पहले 2009 में पिनाको रॉकेट का पहला ऑर्डर दिया गया, और दूसरा ऑर्डर का आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि दूसरा ऑर्डर कब दिया गया होगा। 10 साल तक पिनाको रॉकेट के लिए कोई भी ऑर्डर नहीं दिया गया। 10 साल बाद 2019 में पिनाको रॉकेट का दूसरा ऑर्डर दिया गया। तो आप खुद सोच सकते हो कि 10 साल तक प्राइवेट कंपनियां को अगर ऑर्डर नहीं मिलेगा तो वह क्या करेंगी। या गवर्नमेंट सेक्टर में ही अगर एक बार कोई ऑर्डर मिलता है तो उसके लिए सेटअप बनाना, रॉकेट को तैयार करना, इसके लिए एक पूरा स्ट्रेटेजी बनाना होता है। और फिर एक साल दो साल जब ऑर्डर नहीं मिलता तो उसे हटा के नए मिसाइलों के लिए वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनाया जाता है उसके हिसाब से। यहाँ पे तो काफ़ी खर्चा हो जाएगा। अभी हमने पिनाको रॉकेट के लिए सेटअप लगाया, फिर दूसरे रॉकेट के लिए सेटअप बनाइए। अगर भारत में ज़रूरत से ज़्यादा कैपेसिटी है बनाने की, मिसाइल डेवलप करने की, तो इसे विदेशों में सप्लाई करिए ना आप लोग। मुझे यहाँ पे केजरीवाल जी की मीम से याद आ रही है, जो कहते हैं ना करना तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। कहते हैं ना करना। दूसरे देशों की सप्लाई कर सकते हैं अगर हम लोग चाहे तो। मानते हैं हम लोग अमेरिका, रूस, चाइना जैसे देशों को सप्लाई नहीं दे सकते अभी, बाकी और बहुत से छोटे छोटे देश हैं जिनके पास अभी मिसाइल बनाने की क्षमता नहीं है, मिसाइल डेवलपमेंट की तकनीक नहीं है, तो हम उनको भी सप्लाई कर सकते हैं। और प्राइवेट कंपनियों को भरोसा भी दीजिए कि हम हर साल आपको लगभग इतने हथियार खरीदेंगे आपसे। आपका हथियार अगर मॉडर्न आधुनिक होगा तो हम इसे विदेशों में भी सप्लाई करेंगे, ऐसा करना भी चाहिए। इससे हमारे सरकार की कमाई भी होगी और अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन भी हमारे देश के साथ अच्छे जुड़ जाएंगे जिसको भी हम हथियार सप्लाई करेंगे। मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देने की डिफेंस सेक्टर में ज़रूरत क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये कंपनियाँ ज़्यादातर सरकारी विभागों के अंडर में आती हैं। अभी तक जितनी भी डिफेंस से रिलेटेड कंपनियां हैं हमारे भारत में, लगभग ज़्यादातर गवर्नमेंट के ही अंडर में आती हैं। तो सरकारी विभागों में मार्केट का प्रेशर नहीं होता, हथियार बिके या ना बिके इससे सरकारी विभागों में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है प्राइवेट की तुलना में। अभी हाल ही में देख लीजिए, एक टैंक को अपग्रेड करने के लिए दिया गया जिसमें जो समय लगने का अनुमान है वो 9 साल लगने का अनुमान है। आप खुद सोचिए कि यह कोई सबमरीन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी तो है नहीं, टैंक की बात हो रही है जो कि सबमरीन फाइटर जेट की तुलना में कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते उतना। अगर हम एक टैंक को अपग्रेड करने में 9 साल लगाएंगे तो 9 साल अपने आप में एक बहुत बड़ा समय होता है। जब तक यह अपग्रेड होगा 9 साल में, तब तक तो विदेशों में एक से एक घातक हथियार, आधुनिक मॉडर्न विदेशों में लॉन्च हो जाएंगे। फिर हमको विदेशों से खरीदना पड़ेगा क्योंकि हम चीन, पाकिस्तान जैसे देशों से घिरे हुए हैं, तो हमारी मजबूरी है, खरीदना ही पड़ेगा। तो इससे बाहर निकलना है हमें। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको इतने महंगे हथियार होते हैं, इसको अपग्रेड ना किया जाए। अपग्रेड किया जाए, लेकिन इसे और जल्दी करने की ज़रूरत है। हम तो कह रहे हैं जो हथियार अपग्रेड नहीं किए जा रहे हैं उसको अपग्रेड करके और लंबा चलाना चाहिए। अभी हाल ही में देख लीजिए, हम लोग हमेशा नए नए हथियार की तलाश में रहते हैं। ज़्यादातर पुराने हथियार लंबे समय तक हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है अपग्रेडेशन।
अब 9 साल तक कोई चीज़ अपग्रेड होगा तो वह तो वैसे ही पुराना हो जाएगा। 9 साल आपने यूज किया, 9 से 10 साल, 9 साल आपने अपग्रेड में लगा दिया, 20 साल तो ऐसे ही हो गया। इजराइल को ही देख लीजिए, अभी जल्दी तक इजराइल ने अपना E-55 टैंक यूज किया है, जिस टैंक को हमने काफ़ी पहले ही निकाल दिया है पूरी तरीके से। अब आप खुद सोचिए, उसी देश से हमने टैंक खरीदा, हमने यूज किया और रिटायर भी कर दिया, लेकिन वह देश खुद अभी उसको अपग्रेड कर करके तब से यूज कर रहा था, अभी जल्दी ही उसे रिटायर किया है। इससे क्या होता है, आपकी युद्ध में एक संख्या दिखती है, आपके हथियारों की एक संख्या दिखती है, पुराने हथियार और नए हथियार मिला के। मान लीजिए आपके नए टैंक जो हैं वो थोड़े ज़्यादा आधुनिक होंगे तो ज़्यादा युद्ध में काम आएंगे, 50-100 लोगों को मार देंगे। अगर आपके पुराने हथियार हैं 20-30 लोग को भी मारते हैं नए की अपेक्षा, तो यह काफ़ी काम का साबित हो सकता है। तो इसलिए हमें अपग्रेड करना चाहिए, लेकिन और तेज़ी से इसको अपग्रेड करना चाहिए। वहीं बात करते हैं अगर कमांड थिएटर के लिए, इसके लिए भी 20 सालों से चर्चा हो रही है, बस टीवी पर डिबेट होती है, कमेटी भी बन जाती है। अब इस पर काम कब शुरू होगा इसका पता नहीं होता है। थिएटर कमांड क्या है आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ सभी सिक्योरिटी फोर्सेस की अलग अलग अपने अपने चीफ होते हैं, जैसे नेवी के अपने अलग चीफ, आर्मी के अलग, एयरफोर्स के अलग, और अगर NSG की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो की, तो वह मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। जैसे 26/11 के हमले की बात करते हैं, अगर अभी इस तरीके का कोई भी आतंकी हमला होता है तो सबसे पहले कौन जाएगा? पुलिस जाएगी पहले एरिया की, फिर आर्मी को बुलाया जाता है। अगर कंट्रोल में नहीं होता है सिचुएशन, तो अगर एयरफोर्स की ज़रूरत पड़ जाए या NSG कमांडो की ज़रूरत पड़े तो किससे बोले? यह थोड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, उतनी भी नहीं बट लंबी हो जाती। तो इसके लिए थिएटर कमांड जरूरी है, जहाँ पर एक कमांडर हो और वहाँ हमारी सभी सेनाएं हों, एक बेस पर हों, वो कमांडर के अंडर में आए, जिससे कोई भी आपातकालीन स्थिति में निपटा जा सके। जैसे अभी नॉर्दर्न फ्रंट थिएटर है, जो कि पाकिस्तानी आतंकवादियों और चीन दोनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। अभी हमारे CDS बिपिन रावत जी ने बताया कि जल्द ही कमांड थिएटर बनके तैयार हो जाएंगे, जिसमें एक नॉर्थ फ्रंट कमांड थिएटर और वेस्ट फ्रंट कमांड थिएटर और मैरिटाइम कमांड थिएटर होंगे। हो सकता है 15 अगस्त को ही इसका ऐलान किया जाए भारत की जनता के सामने, और यह 2022 लास्ट नवंबर दिसंबर तक बनके तैयार हो सकता है, या 2023 के शुरू में बनकर तैयार हो जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है?